मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने हिंदी दिवस के अवसर पर कवि सम्मेलन का आयोजन किया। आयोजन में प्रसिद्ध कवियों ने अपनी कविताओं के जरिए लोगों को हिंदी साहित्य देशभक्ति का संदेश दिया। कवि सम्मेलन में कई नामचीन कवि शामिल हुए। इस दौरान मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी के सीईटी गौरव तिवारी ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य हिंदी के साथ देश की एकता को बढ़ावा देना है। मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी और PRSI ने मानसरोवर डेंटल कॉलेज में हिंदी दिवस के मौके पर कवि सम्मेलन और सम्मान समारोह का आयोजन किया। सम्मेलन में कई प्रदेशों के प्रसिद्ध कवियों ने शिरकत की। कवि सम्मेलन में नामचीन कवि दिनेश रघुवंशी, शशिकांत यादव, अमन अक्षर, गजेंद्र प्रियांशु, अजय अंजाम, अभय निर्भिक और मणिका दुबे ने कविता पाठ किया। ओजस्वी कवि अभय निर्भिक की देश और सेना से जुड़ी ओजस्वी कविताओं ने लोगों में जोश भर दिया। वहीं कवि गजेंद्र प्रियांशु ने मां की आराधना के साथ कविता पाठ की शुरुआत की। इस दौरान कवियों ने पॉलिटिक्स और समाज पर भी कविता के जरिए तंज कसे। सम्मेलन में नगर निगम भोपाल के अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी शामिल हुए, जहां उन्होंने कवियों की प्रशंसा की और कहा कवि देश को सही दिशा दिखाने का काम करते हैं। उन्होंने कहा आज दुनिया में भारत रोज नई ऊंचाइयां छू रहा है। कश्ती खेता आया है, बारंबार पड़ोसी हमको धोखे देता आया है। शांति शांति के चक्कर में हम बहुत दिनों तक चले गए, कोट के ऊपर लाल गुलाबों वाले दिन अब चले गए। अंदर जितनी चीख दबी थी उतना हमने चीख लिया, दुश्मन को उसकी भाषा में उत्तर देना सीख लिया। इस नापाक पड़ोसी के घर तोड़ के हम दीवार गए, पुलवामा का बदला लेने बेटे सीमा पार गए। पुलवामा की तालियां कमजोर है कि पुलवामा का बदला लेने बेटे सीमा पार गए कि भारत भू का नक्शा पूरा करने की तैयारी। अगली पंक्ति पर अपनी तालियां उधार मत रखना, मैं निवेदन करता हूं। भारत भू का नक्शा पूरा करने की तैयारी है। 370 हटा दिया, पीओके की बारी है। मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी में हिंदी दिवस समारोह के अंतर्गत आज कवि सम्मेलन और सम्मान समारोह है और मैं कवि शशिकांत यादव, मेरे साथ वरिष्ठ गीतकार दिनेश रघुवंशी जी, हमारे इंदौर के लोकप्रिय गीतकार अमन अक्षर जी, गजेंद्र प्रियांशु बाराबंकी से, अभय निर्भीक जी लखनऊ से, अजय अंजाम औरैया उत्तर प्रदेश से और मणिका दुबे सिहोरा जबलपुर से हमारे बीच आ रहे हैं। तो ये कविता का कार्यक्रम है, हिंदी दिवस समारोह चल रहा है, हम सब हिंदी के लिए काम कर रहे हैं, आप भी और हम भी, आपका और हमारा प्रयास कि हिंदी जन जन की भाषा बने। मैं गीतकार एक विद्यार्थी हूँ, गीतकार हूँ, इंदौर से आता हूँ। तो आज बहुत ही अच्छा मौका है, मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी हमारे पूरे प्रदेश का गौरव है, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है शिक्षा के क्षेत्र में जिसका इतना बड़ा नाम है, और हिंदी जो कि हमारी राजभाषा है और ये जो हिंदी पखवाड़ा शुरू होने वाला है उसके उपलक्ष्य में, हिंदी पखवाड़े से शुरू होने से थोड़े दिन पहले ये हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में बहुत अच्छा अखिल भारतीय कवि सम्मेलन है जिसका संयोजन भी मैंने किया है, और देश के लगभग सारे सुपरिचित नाम दिनेश रघुवंशी जी, शशिकांत यादव जी, गजेंद्र प्रियांशु, अजय अंजाम, जितने इस समय के लोकप्रिय कवि हैं, अभय निर्भीक, मणिका दुबे, सब लोगों के साथ एक बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर सज रहा है जिसमें हिंदी के सेवार्थी लोगों को सम्मान भी दिया जा रहा है, साथ में कवि सम्मेलन भी होगा। तो शिक्षा के क्षेत्र में या शिक्षण संस्थानों में जब कवि सम्मेलन होते हैं तो उसका उत्साह और रंग बहुत अलग होता है। तो मेरी बहुत शुभकामनाएं आयोजनकर्ता को, मानसरोवर यूनिवर्सिटी को, और बहुत शुभकामनाएं। और आज मैं भोपाल में आया हूँ मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी में, और एक बहुत ही भव्य और दिव्य कार्यक्रम, दिव्य सेंस में कि ये हिंदी भाषा की प्रतिष्ठा के लिए कार्यक्रम है, और हिंदी वो भाषा है जो हमारी आत्मा में निवास करती है। इस विषय में हम जितनी चर्चाएं करेंगे, इस विषय में हम जितनी कविताएं लिखेंगे, जितनी कविताएं लोगों को सुनाएंगे, और हिंदी को जितना लोगों के समीप तक ले जाएंगे, उनके कार्य प्रतिदिन के दैनिक चर्या के कार्यों में जब तक शामिल नहीं करेंगे, तब तक हिंदी की वैश्विक स्थापना और राष्ट्रीय पटल पर स्थापना थोड़ा सा मुश्किल कार्य है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के जो कार्य हैं मानसरोवर यूनिवर्सिटी के या हम कवियों के, वो निश्चित रूप से हिंदी के रथ को और ध्वजावाहक बनाते हैं और बड़ा बनाते हैं, और हम सब तो छोटे से पायक हैं हिंदी भाषा के रथ के, कोशिश कर रहे हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय भाषा बने, और मेरी पूरी उम्मीद है आज हिंदी दिवस पर मैं ये बात कह सकता हूँ दावे के साथ कि जिस तरह की दुनिया दिखाई पड़ रही है निकट भविष्य में हिंदी राष्ट्र नहीं वैश्विक भाषा होगी। कवि सम्मेलन को लेकर मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी के CED गौरव तिवारी ने बताया कि कवि सम्मेलन का आयोजन हिंदी दिवस के मौके पर रखा गया है।
हमारे बीच नामचीन और युवा कवि शामिल हुए। उन्होंने बताया कि इस सम्मेलन का उद्देश्य है हिंदी भाषा को आगे बढ़ाना, ताकि देश में एकता और अखंडता बनी रहे, और हिंदी को आगे बढ़ाने का काम एक कवि से बढ़िया कोई नहीं कर सकता। वर्षगांठ को हम सब ने अमृत महोत्सव के रूप में मनाया है। देश हमारा नित्य नई ऊंचाई छू रहा है। जो भारत को कभी लोग दीन हीन कहते थे, जानते थे, आज दुनिया में भारत की छाप चेंज हुई है, बदलाव हुआ है। आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हमने आज एक्चुअली हिंदी दिवस तो 14 सितंबर को होता है, राजभाषा दिवस, परंतु उसके उसी के तारतम्य में एक प्री इवेंट हमने आज रखा है 10 सितंबर को, शनिवार के दिन, और देश भर से हमने विभिन्न कवियों को बुलाया है, जिसमें अमन अक्षर जी आ रहे हैं, अंजाम साहब आ रहे हैं, शशिकांत यादव जी आ रहे हैं, और भी कई सारे कवि हैं। अभी जैसे ही कार्यक्रम का शुभारम्भ होगा उसके बाद आप ज़रूर सुनने का सबको मौका मिलेगा। तो इस तरह का एक कार्यक्रम है, और इसमें मानसरोवर परिवार के अतिरिक्त पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया भी को ऑर्गेनाइजर्स है, लोगों में स्पेशली यूथ में, इसलिए हमने ऐसे कवियों को निमंत्रित किया है जो कि यंग हैं, जो एक स्टीरियोटाइप होता है कवियों का कि जो लोगों के दिमाग में रहता है वैसा नहीं है। ये लोग वो हैं जिनको जिनके माध्यम से हमें लगता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं तक पहुंच पाएंगे, और यह इसलिए ज़रूरी है कि हमारी राजभाषा जो है वो ना केवल हमारी राजभाषा है बल्कि भारत के एक बहुत बड़े तबके की मातृभाषा भी है। और भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर हर 100 किलोमीटर में भाषाएँ बदलती हैं, संस्कृति बदलती है, परंतु एक चीज़ जो हम सबको साथ में बांध के परिवार के रूप में रखती है, हमारी राजभाषा ही है। इसलिए 14 सितंबर को जो राजभाषा दिवस मनाया जाता है, मेरे हिसाब से वो एक महाभिषेक है, उसमें एक छोटी सी आहुति है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।